हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जिंक फॉस्फेट कोटिंग, दैट इज अ कन्वर्जन कोटिंग। तो जो हमारी जिंक फॉस्फेट कोटिंग होती है वो एक नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन कोटिंग होती है, जिसे कि हम नॉन फेरस सरफेसेस जैसे स्टील वगैरह पे केमिकली अडहेयर करते हैं, यानी कि उसे केमिकली हम डिपॉजिट करते हैं स्टील की सरफेस के ऊपर। सेकेंडली, ये भी हमारी एक केमिकल कन्वर्जन कोटिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कन्वर्जन कोटिंग में, जो मैंने आपको बताया था सेम वही कन्वर्जन कोटिंग जो हमारी आयरन फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग थी, तो उसी तरह से हमारी एक जिंक फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव पेंट एडहेशन प्रॉपर्टीज, बेटर कोटिंग इन रिसर्च्ड एरिया। ये जो हमारी जिंक फॉस्फेट कोटिंग है ये आयरन फॉस्फेट की तुलना में बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देती है। इसके साथ ही जो इसका इसकी जो एडहेशन प्रॉपर्टी होती है इसमें हमें बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि इम्प्रूव्ड कंडीशन में यहाँ पर हमें जो एडहेशन प्रॉपर्टी है कोटिंग की वो प्रोवाइड होती हैं। और जो हमारे रिसर्च्ड एरिया होते हैं, यानी कि जो हमारे खाली एरियाज होते हैं, तो वैकेंट एरिया में ये कोटिंग बहुत अच्छे तरह से एडहेशन प्रॉपर्टी देती है। और जैसा कि हम जानते हैं वैकेंट एरिया में कभी कभी मॉइस्चर वगैरह की वजह से कोटिंग में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो रिसर्च्ड एरिया में ये काफ़ी अच्छी एडहेशन प्रॉपर्टी देती है, जिससे कोरोजन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो एक तरह से कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देती है। नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉस्फेरिक सॉल्ट, एसिलेटर्स। इन एसिलेटर्स को यहाँ पर हम एक्टिवेटर्स के रूप में भी जानेंगे, एसिलेटर्स, जिंक सॉल्ट। और जैसा कि आयरन फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग में हमारा सर्फेक्टेंट पैकेज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सर्फेक्टेंट पैकेज नहीं लिया जाता है, तो फॉस्फेरिक सॉल्ट, एसिलेटर और जिंक सॉल्ट मेनली इसमें कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्री जिंक कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड कॉल्ड एक्टिविटी। जो हमारी जिंक फॉस्फेट कोटिंग होती है इसमें हमें इस कोटिंग को करने से पहले एक प्री जिंक कंडीशनिंग करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग। तो ये जिंक फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग को अप्लाई करने से पहले हमें एक्टिवेटिंग करनी पड़ती है। तो ये एक्टिवेटिंग जो प्रोसेस होता है ये हमारा जिंक फॉस्फेट की एप्लीकेशन से पहले किए जाने वाला प्रोसेस होता है। तो इसमें हम एक्टिवेटर्स को लेते हैं, चाहे आप इन्हें एक्टिवेटर्स कहिए या फिर कंडीशनर्स कहिए। तो ये जो एक्टिवेटर्स या कंडीशनर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन ऑफ एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट, यानी कि एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट का माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन होता है एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट का, जो क्या होता है, स्टील की सरफेस पे जाके अच्छी तरह से अडहेयर हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। और चाहे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो नॉन फेरस सरफेसेस होती हैं, नॉन फेरस मेटल सरफेसेस होती हैं, तो उनके लिए हम जिंक फॉस्फेट कोटिंग सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और फेरस मेटल जो होते हैं उन फेरस मेटल के लिए हम आयरन फॉस्फेट कोटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो नॉन फेरस मेटल होंगे उसमें हम जिंक फॉस्फेट कोटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं इस तरह की सरफेसेस पर जाके बहुत अच्छी तरह से अडहेयर हो जाते हैं। इसके बाद ये जो कंडीशनर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, टाइटेनियम सॉल्ट का जो माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन होता है जो एज अ कंडीशनर यूज़ किया जाता है, ये कंडीशनर एक नेटवर्क सेटअप कर देते हैं। ये जो नेटवर्क सेटअप करते हैं इससे यूनिफॉर्म एक्सेप्टर्स साइट्स फॉर्म होती हैं, जो क्या करती हैं, जिंक की क्रिस्टल को बहुत अच्छी तरह से सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करती हैं। और साथ ही ये जो हमारे कंडीशनर होते हैं, पहला तो यूनिफॉर्म एक्सेप्टर साइट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो क्या करते हैं, जिंक क्रिस्टल को
अच्छी तरह से सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिशन के लिए जो जिंक के क्रिस्टल हैं उनके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को बढ़ा देती हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स उसमें बढ़ जाएंगे, लेकिन जो साइज होता है, साइज को क्या करते हैं, ये क्रिस्टल के साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हुए जाते हैं। नंबर्स बढ़ा देंगे बट साइज क्या कर देंगे, डिक्रीज, क्योंकि स्मॉल अगर साइज आप लेंगे तो स्मॉल साइज के जो क्रिस्टल होंगे वो आपको बेटर एडिशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप लार्ज साइज लेते हैं तो लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल्स बहुत पोरस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं, ये आपको पोरस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत सी जगह पे आपकी वॉइड्स फॉर्म हो जाते हैं, और जो अडहेशन है वो अडहेशन बहुत अच्छा आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए स्मॉल डेंसली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो हमारा होता है तो उसमें हमें बेस्ट पॉसिबल एडिशन और कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मिलती है। तो बेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और एडिशन प्रॉपर्टी के लिए हम स्मॉल साइज को ही हमेशा प्रेफर करते हैं।